हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को जय हिंद। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ वाटर विंग का जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला था। लगभग दोस्तों मैंने आपको बताया था टेंटेटिव डेट जो है 7 मई निकल के आ रही थी। तो दोस्तों अब जो है ये रिटर्न एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपका जो है पोस्टपोन्ड होता नज़र आ रहा है दोस्तों क्योंकि इससे पहले जो रिक्रूटमेंट आई थी बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप पैरामेडिकल स्टाफ और इंजीनियरिंग ग्रुप बी का, तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम जो है यानी कल यानी 23 अप्रैल को होने वाला था दोस्तों, वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। इसके रिगार्डिंग जो है दोस्तों आपको मैसेज भी आया होगा दोस्तों, एसएमएस भी आया होगा आपके मोबाइल पे। और दोस्तों मैंने कल आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था वीडियो के माध्यम से, तो आपने दोस्तों देख लिया होगा वो। तो दोस्तों बात करते हैं बीएसएफ वाटर विंग का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपका जो है टेंटेटिव डेट जो है 7 मई को आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो सकता है। तो दोस्तों 90% जो है आपका रिटर्न एग्ज़ाम 7 मई को नहीं होगा, 10% दोस्तों चांस है कहीं ना कहीं, बट दोस्तों 90% चांस है कि आपका एग्ज़ाम जो है 7 मई को नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों पता नहीं क्या रीज़न रहा कि अचानक से जो है एसएमटी वर्कशॉप और पैरामेडिकल स्टाफ और जो अदर रिक्रूटमेंट का जो रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला था दोस्तों उनको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। अभी दोस्तों साइट से लगभग एक कैंडिडेट ने बताया है कि उनका जो एडमिट कार्ड जो है बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप का और पैरामेडिकल स्टाफ का वो वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको अगला जो अपडेट है वो दोस्तों साइट पे मिल जाएगा, अदरवाइज़ जो है आपका एडमिट कार्ड जब जारी होगा तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम कब होने वाला है। दोस्तों अभी कोई टेंटेटिव डेट नहीं बताई गई है, आप साइट पर विज़िट करते रहिए। अगर मेरे पास दोस्तों कोई अपडेट होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो साथ ही दोस्तों लास्ट बात यह है कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम जो है 7 मई को नहीं होने वाला है, लगभग 90%। तो दोस्तों आपके पास अभी टाइम और बचा है एसएमटी वर्कशॉप का, जिसमें पैरामेडिकल में जिसने अप्लाई किया है उसको दोस्तों अगर टाइम नहीं मिल पाया था स्टडी के लिए, तो दोस्तों अभी जो है लगभग जब तक डेट नहीं आती है तो दोस्तों आप जो है अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और साथ ही अपना तैयारी अच्छी तरीके से कर लें, क्योंकि आपको दोस्तों टाइम और भी थोड़ा मिल गया है। धन्यवाद दोस्तों, अगर कोई अपडेट